सो हेलो फ्रेंड्स, यूजीएससी का ये सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन पर यूजीएससी डाउनलोड 2023 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पर क्लिक हियर बोल रहा है करने के लिए, यहाँ पर कर देना। देन उसके बाद सिंपली यूजर आईडी पासवर्ड डालना है जो आप बनाए होंगे काउंसलिंग के टाइम। तो यहाँ पर मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरी कोड है वो मैं फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली साइन इन करना है। उसके बाद आपके ओटीपी या तो रजिस्टर ईमेल आईडी होगा या तो मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा, सेंड कर देते हैं। देखता हूँ ओटीपी आएगा तो यहाँ पर हम लॉगिन करें। यहाँ पर मैं ओटीपी सबसे पहले डाल लेता हूँ, उसके बाद लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड अलॉटमेंट रिजल्ट आपने अपने को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ न्यू जो लिखा हुआ है। यहाँ पर सिंपली पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्टिविटी लिस्ट में सबसे पहले तीन ऑप्शन आएगा आपके साथ। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो इनकम्प्लीट इधर दिखा रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर इनकम्प्लीट, लेकिन इसके अंदर जो है सीट अलॉटमेंट है। यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको कॉलेज शो कर देगा। इस स्टूडेंट को गया में सिविल इंजीनियरिंग मिला है और जो रैंक देख सकते हो कुछ इस तरह से है। उसके बाद यहाँ बिलगनेस सबसे पहले देना होगा, इसको फ्रीज करना होगा क्योंकि आप सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सेकेंड राउंड में और आगे कोई राउंड नहीं होगा, इसीलिए फ्रीज का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड डाल रहा हूँ, सबमिट करता हूँ, ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल पर। यहाँ पर ओटीपी डाल देना जो भी गया होगा, फिर सबमिट बिलगनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही कर देते हो तो यहाँ पर आप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सीट अलॉटमेंट। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड अगेन, उसके बाद आपके पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीट एक डिटेल्स आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लेना है, इसका जीरोक्स 2-3 करा लेना है। यहाँ पर आपको दिखा देगा रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ पर आपको गया है, किस तारीख को जाना है और कौन से आपका कैटेगरी पर अलॉट हुआ है। यहाँ पर अलॉटेड कैटेगरी ABC जो भी है, और सभी स्टूडेंट को फिजिकली रिपोर्ट करना ज़रूरी है, यहाँ पर आप नोट में भी देख सकते हो। तो इस तरह से आप फाइनली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो ले एक लाइक।